क्या आतंकवादी सुरक्षित ठिकाना मानकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी किसी खास रणनीति के तहत आतंकवादियों को पार्टी में शामिल कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, उसे समझने के लिए आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पीछे घेरे में जो शख्स दिख रहा है, उस शख्स का नाम तालिब हुसैन है और ये आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के एक गांव में ये अपने आतंकवादी साथी फैजल अहमद डार के साथ मिलकर आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। संयोग से गांव वालों की नजर इस पर पड़ गई और उन्होंने दोनों आतंकवादियों को पकड़कर सुरक्षा बलों के हाथों सुपुर्द कर दिया। गांव वालों ने जैसा साहस और देशभक्ति दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दोनों आतंकवादियों के पास जो खतरनाक हथियार मिले हैं, उन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये खबर का एक पहलू है जिसके बारे में आप कहीं से जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप कहीं से जानकारी मिल सकती है सोशल मीडिया पर। खबर के दूसरे पहलू मोदी मीडिया द्वारा छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो दूसरा पहलू ये है कि लश्कर ए तैयबा का दुर्दांत कमांडर तालिब हुसैन जम्मू भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी और सोशल मीडिया इंचार्ज था। गौर से देखें, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक लेटर पैड पर उसकी इस पद पर नियुक्ति के बारे में क्या लिखा गया है वो पढ़कर सुनाते हैं। मिस्टर तालिब हुसैन शाह एट द्राज और रंका खान डिस्ट्रिक्ट राजौरी शैल बी द न्यू आईटी एंड सोशल मीडिया इंचार्ज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू प्रोविंस विद इमीडिएट इफेक्ट। एक कुख्यात आतंकवादी क्रूर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर, जम्मू बीजेपी के एक महत्वपूर्ण विभाग का इंचार्ज, ये संयोग है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई खास प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। आतंकवादी तालिब हुसैन के बीजेपी से प्रगाढ़ रिश्ते के कुछ और सबूत दो चार होते हैं। इस तस्वीर में तालिब हुसैन जिस शख्स के साथ गलबहियां कर रहा है, उस शख्स का नाम रविंदर रैना है और वो जनाब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब तालिब हुसैन के फेसबुक प्रोफाइल को भी देख लिया जाए, माननीय मोदी जी की भव्य तस्वीर और दुर्दांत आतंकवादी तालिब हुसैन का खुला ऐलान, आई सपोर्ट नम, क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है? जब यही सवाल जम्मू बीजेपी के नेता से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक बशीर जी बात कर रहे हैं? जी 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 सर, ये जो एक आदमी पकड़ने हुआ, ये तालिब हुसैन, ये बीजेपी का पार्ट था आपके माइनॉरिटी मोर्चे का? हमारे मोर्चे में काम कर रहा था। देखिए, जो लेटर चल रही है, आपने ऑर्डर निकाला हुआ था, ये शायद पांचवें महीने का था 2022 में। वही है ना, हमने इसको बुलाया था लेकिन हमें पूरी सिचुएशन का पता नहीं था, इसका क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये ऑलरेडी बीजेपी में 5-6-7 सालों से काम कर रहा था। ठीक ठीक सर। तो फिर हमने इसको इस मैनाटी में हमने इसको लिया था आईटी सोशल मीडिया के जम्मू प्रोविंस के इंचार्ज। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आईएनसी टीवी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं कि आतंकवादी तालिब हुसैन जम्मू भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, इस बात में किसी तरह का शक शुभा नहीं है। अब लौटते हैं फिर पुराने सवाल, क्या खूनी हत्यारे आतंकवादी ये मानकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि मौजूदा माहौल में वो वहां सुरक्षित रहेंगे, फिर बीजेपी ही किसी खास रणनीति के तहत आतंकवादियों को पार्टी में शामिल करा रही है? ये सवाल मैं केवल तालिब हुसैन शाह, जो कि कुख्यात दुर्दांत आतंकवादी की है, उसकी वजह से नहीं पूछ रहा हूँ। इस सवाल का एक हिस्सा उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से भी जुड़ा है। कन्हैया लाल का एक हत्यारा रियाज भी उसी तरफ बीजेपी का सक्रिय सदस्य था, जिस तरह से लश्कर आतंकवादी तालिब हुसैन। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन दो में से एक, जिसका नाम तालिब है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, उनके माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी प्रमुख है, और ये हफ्ते भर में 10 दिन में ये दूसरी घटना। उदयपुर की घटना, रियाज अतारी सरेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है,
उसको भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र पहनाते हुए की फोटोग्राफ्स हम सब ने कल जारी की थी। आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आदमी आतंकी जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला बनाने की साजिश रची थी, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर निकला। ये एक के बाद एक बार बार यह उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये सहयोग है, प्रयोग है, ये है क्या? क्योंकि पुलवामा में 350 किलो RDX पहुंचा, आज तक जवाब नहीं मिले किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचा। DSP देवेंद्र सिंह को बिना जांच के सरेआम वो पकड़े गए थे, आतंकवादियों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, बिना जांच के उनको चुपचाप नौकरी से बाहर कर दिया गया। और अब ये दो उदाहरण, उससे पहले ISI के साथ ध्रुव सक्सेना नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पकड़ा गया था। तो आज अब यह देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री से कि ये आतंकी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है। कांग्रेस में रियाज के साथ साथ तालिब हुसैन की BJP से प्रगाढ़ रिश्ते को लेकर सरकार से सवाल पूछा है, जवाब नजर आ गए। अभी तक BJP के किसी बड़े नेता ने ये भी नहीं कहा है कि श्री अमित शाह जी का आतंकवादियों के बीच इतना क्रेज है कि तालिब हुसैन बस अब उनके साथ फोटो खिंचवाने की चाह में उनके पीछे खींचा चला आया। तो फिर माजरा क्या है? एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर दो कुख्यात आतंकवादियों का भारतीय जनता पार्टी से तगड़ा कनेक्शन सामने आया है। दोस्तों, क्या आप भी इसे महज संयोग मानते हैं? आपके जवाब के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह।